হরিভাউ মাধব জওয়ালে। मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र राज्य के कई विभागों में गए 40 साल से ज़्यादा भयावह अकाल पड़ने की एक वस्तुस्थिति और दूसरी तरफ मेरा कंस्टिट्यूएंट क्षेत्र जो रावेर है जलगांव डिस्ट्रिक्ट में आता है वहाँ बर्फीली वृष्टि से होने वाला किसानों का नुकसान ये आपके माध्यम से सर के सामने रखना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में 40 साल के बाद सबसे बड़ा भयावह अकाल अभी पड़ा है। एक तरफ पानी नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ जहाँ अच्छी फसल है जो मेरे जलगांव डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ गए 10 दिन के पहले जो बर्फीली वृष्टि हुई उससे 200-250 करोड़ रुपए का बनाना का नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, ये जो हॉर्टिकल्चर है जिसमें फ्रूट आता है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार ने एक इंश्योरेंस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लगाया है 2012 में। हमारे किसानों ने 7000 किसानों ने उसमें 5 करोड़ रुपये प्रीमियम डालकर उस स्कीम में भाग लिया है। इंश्योरेंस स्कीम के कुछ नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स में 3 महीने कम टेम्परेचर के लिए और बाकी 4 महीने है तेज हवा के लिए। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ये जो ओलावृष्टि है बर्फीली वृष्टि है वो नॉर्म्स में आती नहीं। अभी फार्मर लोगों ने जो प्रीमियम भरा है 5-6 करोड़ रुपए का और अगर उसमें नुकसान में वो नॉर्म्स में बैठते नहीं तो उसको नुकसान भरपाई नहीं मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट भी देता नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट देती नहीं। अगर पूरे देश में जहाँ से बनाना आता है वो किसान अभी पूरा नष्ट हुआ है, किसानों का फसल नष्ट हुआ है, किसान बर्बाद की ओर है, कुछ किसान आत्महत्या करेंगे ऐसा लगता है। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि एक अच्छा वहाँ आपके लोग अधिकारी भेजो, उसका अनुमान लो, उसका सर्वे करो और नुकसान भरपाई देने की तजवीज़ करो। दूसरी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इंश्योरेंस जो नॉर्म्स है इंश्योरेंस के क्रॉप इंश्योरेंस लोन में उसमें उसके निकज बदलना चाहिए। पूरे साल के लिए अगर बनाना 1.5 साल का क्रॉप है तो 1.5 साल के लिए उसका नॉर्म्स में बैठना चाहिए और कोई भी नैसर्गिक आपत्ति, कोई भी कैलमिटी चेंज हुआ, कोई भी नैसर्गिक आपत्ति में अगर नुष्ट हुआ तो उसको नुकसान भरपाई मिलना चाहिए। यही मेरी विनती रहेगी। धन्यवाद।